Welcome back to the channel, and it's Sunday today, 15th of September, and 7:07 AM. आज हम जा रहे हैं जेवर, because Sunday, you know, जो जितने भी लोग नोएडा दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को पता होगा सुबह सुबह जेवर की राइड कैसी होती है, और जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ी देर में देख लोगे आप. So जेवर है यहाँ से 55 किलोमीटर्स मेरे घर से एग्जैक्टली, एंड काम करते हैं हम ट्रिप रीसेट कर लेते हैं. मैं जो घर से निकले हुए 1.5 किलोमीटर हो गया, ये कर दिया हमने ट्रिप ज़ीरो, एंड नाउ वी विल लीड टू जेवर. सो गाइस, जेवर जाने का कोई मतलब नहीं होता है, बस सुबह सुबह मौज करनी होती है और कुछ नहीं. जेवर इज लाइक राइडर्स हब, यू नो, इतनी सारी सुपर बाइक्स होती है ना. चलो कुछ दिन और फिर हम भी अपनी सुपर बाइक लेके जाएंगे वहाँ, यू विल बी वेटिंग. हाँ, ये एक सरप्राइज़ है कि एक नई बाइक आने वाली है, उसका रिव्यू होने वाला है. सो वेट करना उसका, शायद अभी 1 महीना लगेगा इस वीडियो, 1-2 महीने लगेंगे अभी आई गेस, मतलब सब कुछ रेडी होने में, लेने के बाद रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सब कंप्लीट होने के बाद फिर निकालूंगा मैं ऐसे, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन, यू नो, आजकल चलान हो रहे हैं 5,000-10,000 मेरे को पे नहीं करने हैं. फिर भी ऐसा होता नहीं है कि आप टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन पर चला रहे हैं और आपका चलान हो जाए विदाउट RC, ऐसा होता नहीं है. एक लेटर होता है, उस पर लिखा होता है, दैट आप सब लोगों को पता ही होगा. सो जेवर अब बचा है यहाँ से 50 समथिंग. अभी तक तो एक्सप्रेस वे नहीं आया है, अभी तक तो ये नोएडा एक्सप्रेस वे के साइड वाली लेन, उसके बराबर में एक सर्विस लेन है, फिर उसके बराबर में ये रोड है. तो अभी तो हम इस पे चल रहे हैं, अब लेंगे हम राइट टर्न क्योंकि नोएडा एक्सप्रेस वे का कट आ जाएगा. ये राइड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल मिलेगा ही, जैसे कि पिछली राइड में मिला था. पिछली राइड की वीडियो मैंने शूट की थी, पोस्ट नहीं की, उसका एक शॉट देख लो आप. देखा कितनी तेज गए यार, मतलब आई वॉज क्रूजिंग 110, ठीक है, 110 क्रूज करने में वो इतनी तेज निकले कि आप जैसे आप रुके हुए आपके बराबर में से 150 की स्पीड में गाड़ी जाए. मतलब वो GoPro में तो चलो इतना प्रिसीजन नहीं हो पाता है, बट मैं अपनी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो एटलीस्ट 250 से तो ऊपर ही होंगे. खैर, इतनी तेज़ चलानी नहीं चाहिए, है शौक होते हैं सबके. मेरे पास H2R आएगी और ZX10 आ रहेगी तो ऑब्वियसली मैं भी भगाऊंगा, सबको पता है, एटलीस्ट 300 तो भगाऊंगा ही मैं भी, ठीक है, हर किसी का शौक ये होता है, जैसे भगानी नहीं चाहिए. अब मैं ये बात कह रहा हूँ जबकि मेरे R100 को हो गए 3 साल, तो 150 एटलीस्ट भगा ही देता हूँ. सो यू कैन गेस मेरे पास ये है, इसको 150 भगा रहा हूँ तो वो होगी तो कितनी भगाऊँगा. आगे हमारा नोएडा एक्सप्रेस वे, मौसम आज बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है. मैं अपना वाटर लाइनर वगैरह सब रख के लाया हूँ, यू नो, बारिश कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है बारिश का, इसलिए मैं बैग लेके रखा हूँ अपना. मेरा जो एक्चुअली मैं चला रहा हूँ बजाज, मेरे पास बैग रॉयल इनफील्ड का, लुक्स हॉट. बहुत प्यारा मौसम है आज, बहुत प्यारा, बारिश जैसा मौसम है, बारिश तो नहीं है, ह्यूमिडिटी है आज, होगी अराउंड 50% से तो ऊपर ही होगी आज ह्यूमिडिटी. और मैं एक स्पेशल चीज़ बताना भूल गया कि मैंने अपनी रेस्टोरेंट में एक अपग्रेड करी थी कुछ टाइम पहले, 15 टीथ का स्प्रॉकेट डाला था मैंने, फ्रंट स्प्रॉकेट. उससे क्या होता है, मेरी क्रूजिंग स्पीड बढ़ गई थी, बट क्रूजिंग स्पीड तो बढ़ गई थी लेकिन मेरी जो टॉप स्पीड थी वो ड्रॉप हो गया 140 आ गई थी. मतलब ये गाड़ी ये है कि 160 तक टच कर सकती है, 160 मैंने एक बार टच की है एक बार इससे, लाइक 159 की है, देख लो आप. तो ये 159 तक जा रही थी, बट यू नो आफ्टर 15 स्ट्रोक इसकी क्रूजिंग स्पीड तो बढ़ गई थी, लाइक अभी ये 6,100 RPM पे कर रही है, बट उस टाइम पे ये कर रही थी 5,000 समथिंग पे, अब जा रही है 107 RPM पे, पहले जाती थी 107. कोई सुपर बाइक गई शायद फिर से, तो 107 ये जाती थी 7 RPM पे, तो सी द डिफरेंस. अभी जाती है ये 7.1 पे 100, तो इतना तो फ़र्क आ गया था एक क्रूजिंग स्पीड में. मैंने प्लस विंडस्क्रीन और इंस्टॉल कर दी थी, वो AS200 की विंडशील्ड थी, तो AS200 की विंडशील्ड इंस्टॉल करी थी, उससे मैंने विंड ब्लास कम लग रहा था. एक्चुअली पहले मैं जो हेलमेट नॉर्मली यूज़ करता था ना, वो था स्टीलवर्ड एयर वन है ना, नॉर्मल वाला SBA1, तो वो यूज़ करता था, उसमें ना विंड ब्लास मेरे को बहुत लगता था, तो उसकी वजह से इंस्टॉल की थी, तो विंड ब्लास मेरे को कम लगने लगा था, मतलब बहुत कम हो गया था विंड ब्लास, उसकी वजह से मेरी टॉप स्पीड और ड्रॉप हो गई थी 135 पे. तो यू नो, आप अगर 200 cc की बाइक चला रहे हैं और क्रूज़ कर रहे हैं और जब कभी कभी भगाने का मन करता है तो 135 जाती है सिर्फ आपकी बाइक, 135 में
कुछ नहीं होता आज की रेट में, और यू नो एक्सेलरेशन भी थोड़ा कम हो गया था, 7% लेस हो गया था एक्सेलरेशन एज पर माई कैलकुलेशन। सो बातें बहुत हो गई हैं, अभी हम सीधा आपको मिलेंगे यमुना एक्सप्रेस में। अच्छा हाईवे है बट यू नो इसमें अलग अलग लेन डिवाइड्स की गई हैं, 60, 100 और ओवरटेकिंग लेन। ऐसा नहीं है कि आप इस पे इस वाली लेन पे 160-170 जा सकते हैं, जा सकते हैं बट सो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो आप यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। और आगे एक बोर्ड पे लिखा हुआ भी है योर कार मस्ट नॉट क्रॉस 120। तो 120 इस रोड पे लोग समझते हैं यार इस रोड के हिसाब से तो बहुत स्लो है, बट यार अपनी सेफ्टी भी तो देखो, अचानक से कोई चीज़ आ गई। वैसे इस रोड पे कुछ आ भी तो नहीं सकता क्योंकि बिकॉज यहाँ पे फेंसेस लगी हुई है चारों तरफ, इसलिए कुछ बाई चांस कुछ आ जाए, यू नो लक की बात होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कोई कार एकदम से डिसबैलेंस हो जाए, इधर वाली लेन में चल रही है अचानक से ऐसे आ जाए आपके पास, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू नो आपके पास इतनी स्पीड होगी, कुछ भी हो आपकी गाड़ी में, ABS हो, ESP हो, ट्रैक्शन कंट्रोल, कुछ भी हो, यू नो जब आती है तो फिर कोई चीज़ काम नहीं आती। तो इसलिए 120 चलो, मैं भी इस रोड पर 120 चलता हूँ। अगर कार से चलता हूँ तो बाइक से तो खैर मेरी बाइक तो इतना कुछ कर ही नहीं सकती, 120 तो कर सकती है मैं, पर यू नो माइलेज कम हो जाएगा इसका। वैसे इसका माइलेज मैं आपको बताऊँ, वैसे इसका जो माइलेज है मेरे हाथ में वो आ रहा है 48 किलोमीटर पर लीटर। मैंने ब्रिम टू ब्रिम करता रहता हूँ मैं, तो 48-50 के आसपास आता रहता है क्योंकि मैं हाईवेज़ पर ज़्यादा क्रूज़ करता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैंने फुल टैंक कराया, मैंने कम्प्लीटली वो सिटी में यूज़ किया तो मेरा आता है 35 टू 38। और मैंने एक बार फुल टैंक करा के बहुत उसको इकोनॉमिकली चलाया था तो मेरा माइलेज आता 55। यू कैन बिलीव 200 cc बाइक पर आप 55 मुश्किल होता है, कर तो सकते हैं बट मुश्किल होता है। मैंने फिर कम्प्लीटली पूरा टैंक वैसे ही यूज़ किया था, बहुत आराम आराम से एक्सेलरेट किया, तो ये है मेरा माइलेज RS 200 का। एंड हम जहाँ जा रहे हैं उसके रास्ते में आता है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। आपने नाम तो सुना ही होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का, BIC दिल्ली, दिल्ली तो ही नहीं ग्रेटर नोएडा में आता है। मैं थोड़ा रोड थोड़ा एलिवेट होगा तो मैं दिखाऊंगा लेफ्ट साइड में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। कुछ भी कहो यार, आज का मौसम इतना प्यारा है ना, यू कांट बिलीव, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जब भी इस रोड पर जाता हूँ ना हमेशा थोड़ी 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 गर्म हवा चलती है यार, लेकिन यू नो सितंबर के महीने में हमारे नॉर्थ इंडिया में इतनी बारिश वगैरह नहीं होती है। ओह नो, इज इट रेनिंग? एक काम करता हूँ मैं, यहाँ रोक के अपना वाटर लाइनर पहन लेता हूँ यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। GoPro वगैरह तो हमारा वाटरप्रूफ ही है, बट यू नो इज इट रेनिंग? ड्रॉप्स पड़ी हैं अभी, ड्रॉप्स में चेक कर लेता हूँ एक बार पूरी बाइक पे, वाटर लाइनर लूँ या नहीं लूँ। आगे मौसम ठीक दिख रहा है, छोड़ो नहीं लेते हैं यार। तो गाइस बात कर रहे थे मौसम की, मौसम इतना प्यारा है ना कि भरोसा नहीं है मौसम का, कभी भी बारिश हो सकती है। मैंने वाटर लाइनर ना पहना नहीं है, मैं पूरा भीग जाऊंगा। और यहाँ पे यू नो यमुना एक्सप्रेस वे पे कोई भी ऐसा स्टॉप नहीं है जहाँ पे शेड हो, तो आप भीगना आपका कंपलसरी है अगर आप इस रोड पर चल रहे हैं। सो बी केयरफुल, अगर आपको पता है कि मौसम ख़राब है पहले से तो इसलिए आप पहले से अपना वाटर लाइनर लेके चलो, लेके नहीं तो पहन के चलो एटलीस्ट, क्योंकि यू नो इतना टाइम नहीं मिलता कि बारिश एकदम से स्टार्ट हो जाती है हाईवेज पे। सो बी केयरफुल। एंड अभी हमने कवर कर लिया है 28.5 किलोमीटर एंड हम ज़्यादा तेज़ चल नहीं रहे हैं, बस 100 तक क्रूज़ करें उससे आगे नहीं। मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि आज मेरा आज भगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मौसम इतना प्यारा है, बस मौसम का मज़ा लेते रहो चलते रहो। कहीं आगे बारिश हो नहीं रही है ऐसा लग तो नहीं रहा है, बाकी आगे का कुछ कह नहीं सकते। गाइस सामने है आपके बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा मैं खड़ा हो जाता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा सी, ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, यहाँ पे इंडिया की रेसेस होती हैं। मुझे नहीं पता कि इसके अलावा भी कोई रेस कोर्स है,
आई गेस इंडिया में सिर्फ यही है, होगा मुंबई वगैरह में हो सकता है, मुझे पता नहीं, इतना कन्फर्म नहीं है, मैंने तो सिर्फ यही देखा है। द लेजेंडरी भूसा वो जा रही है, आप लोगों को दिखी नहीं होगी, अब आ रहे हैं सारे लोग मेरे पीछे से। आज और एक चीज़ याद आई है मुझे, मैंने नया हेलमेट लिया है, तो प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैं इसका रिव्यू दूँ कि नहीं। हैव अ लुक, हेलमेट अच्छा है काफ़ी, इसमें रिट्रैक्टेबल ग्लासेस हैं, सी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में। इसका प्राइस है 5000 समथिंग, मैंने इसका क्रोम वाइजर भी लिया तो मुझे 6000 कुछ का पड़ा। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू दूँ कि नहीं। सो गाइस जेवर आ चुका है एंड वी हैव डन, अरे पॉट होल, वी हैव डन 52.5 किलोमीटर्स एंड जेवर आ गया। मैंने बोला था 55 इसलिए कि वो आगे भी मैं एग्जिट रैंप करूँगा फिर उसके बाद फिर से एंट्री करूँगा ना, तो वो मिला के 55 हो जाता है। बहुत मज़ा आता है इस 155 किलोमीटर्स में, मैंने अभी जस्ट 150 पकाई है, रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गया वो प्रो ऑन करना। आज इतनी ज़्यादा सुपर बाइक्स नहीं है, कह नहीं सकते, हैं तो बहुत, बड़े लोग पार्क करेंगे कहीं तो। अरे यार जीटी लाते हैं, भूल गए जीटी लाना, मैं लास्ट टाइम प्लान किया था कि मैं जीटी लाऊं। तो गाइज बर्नआउट किया आज पहली बार हमने आर एस 200 से, टायर हो गया गर्म एकदम। आज मैंने फर्स्ट टाइम किया आज। अच्छा क्या हो गया, और आगे पुश कर लो, और आगे क्लच प्लेट खत्म हो जाएगी, स्लिप हो रही है बहुत ज्यादा। दो मिनट इंजन को कूल होने दो, और अभी जब जाओ ना अब तो क्लचलेस शिफ्टिंग करना। ये क्या क्रूज कंट्रोल है? क्रूज कंट्रोल क्या ये? थोड़ा आम भी। अरे रहने दो यार, टायर खत्म हो जाएगा भाई, अभी तो पता है एग्जॉस्ट हटा दिया मैंने, उन्होंने तो फाड़ देता है। इसका क्या हुआ, क्लच एंगेज हो चुका था बट वहीं पे क्लच प्लेट स्लिप हो रही थी, टायर में बहुत ज़्यादा ग्रिप थी, क्लच प्लेट स्लिप हो रही थी इसकी। अभी भैया ने फुल क्लच छोड़ दिया था, एक्सलेटर दे रहे थे। हैं छोड़ दो, अभी ऐसे ही छोड़ दो, लाइट वाइट्स बंद कर दो बिल्कुल जीरो, आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो गाड़ी को, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो हाईवे पे। थोड़ा सा पानी डलवा ना। नहीं 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 पानी नहीं, इंजन ऑयल ना चिपक जाता है। क्या हो गया, उठ नहीं रही है? वो मेरे को लग ही रहा था। सर
इसमें मेन स्टैंड नहीं है, है? एक मैं मेन स्टैंड पे लगाओ। अब आगे को पुश करो, आगे मतलब आगे पुश करो। ये फर्स्ट गियर है, ये गियर है। तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, आधे घंटे तक आप रेस्ट वगैरह लो। इसकी ना क्लच प्लेट स्लिप हो रही है, बहुत स्टिकी हो गई है क्लच प्लेट। तो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है ना? नहीं, इशू है नहीं, बट आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ये भी हो सकता है आप रास्ते में खड़े हो जाओ। हाँ, वो इसीलिए थोड़ा नहीं, क्योंकि पहले भी इससे कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, पहली बार ऐसा इशू आया। इनके भैया का भी सेम प्रॉब्लम है। हाँ, वो ही कुछ हो रहा है। ये वर्सेस वाले भैया क्या करें? बर्नआउट का ना एक बहुत आसान सा तरीका है, मैंने फर्स्ट टाइम किया आज अपनी बाइक से। पता है मुझे भी, उसका बात वो नहीं है। नहीं, आप हल्के हल्के छोड़ोगे ना तो उससे क्लच खत्म हो जाएगा आपका। इमीडिएटली छोड़ दो गाड़ी, आगे जाना आगे चली जाए, स्लिप होना स्लिप हो जाए। अरे इनका तो आपसे भी ज़्यादा है, इनका फर्स्ट गियर डाल दिया, टायर घूम ही नहीं रहा है उस मेन स्टैंड पे भी। मेन स्टैंड पे भी नहीं घूम रहा? नहीं घूम रहा। क्या बात कर रहे हो? वही तो, अब गाड़ी चल ही नहीं रही है। गाड़ी चालू हो रही है आराम से, स्टार्ट है, पहिया नहीं घूम रहा, पहिया नहीं। ये तो गई, ये पता है मुझे क्या लग रहा है, एक सेकंड रुको, प्लेट खत्म हो गई। ये पता है, हां उसकी खत्म हो गई, हमने सामने लगाई नहीं, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, स्टिकी हो गई। आराम से घूमी थी, 300 सीसी ना आपकी वाली, सेम पावर है आपकी, 300 सीसी है ना, सेम पावर पावर बोल गई। थोड़ी देर आप रुक जाओ, 10-15 मिनट रुक जाते हैं, करने के बाद ग्रिप ले लेगी और फिर ये घर तक पहुंच जाओगे। मगर क्लच नहीं बताना मत, 5 मिनट में आना, वो तो फिर चेंज ही करा लो। अभी हम बर्नआउट कर रहे थे तो बर्नआउट में प्रॉब्लम ये हो गई कि एक हमारी ये निंजा और एक यूएम रेनेगेड थी, दोनों का क्लच खत्म हो गया। यूएम का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसका तो थोड़ा बहुत बचा भी था, तो बस इतने ही। अब ये बस घर जाने लायक बची है और कुछ नहीं, क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो प्लीज़ बर्नआउट मत करना, और करो तो प्लीज़ ध्यान से करना अगर आप प्रोफेशनल हो। मैंने भी बर्नआउट किया था देख लो, लेकिन मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ आई गेस। हम लोग भी निकल रहे हैं, वो वर्सेस वाले भैया उनको लेके गए हैं यूएम रेनेगेड वाले को। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो गया, निंजा वाले भैया का भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बट वो घर लाने लायक थे, बट यूएम वालों का बिल्कुल भी नहीं बचा था। और ये अपाचे वाले भैया मिले हैं, भैया आपका नाम? धीरज। धीरज भैया का नाम तो बता दिया आपने, और निकलने की तैयारी है। भैया मुझे मिल गए हैं, तो मैं अकेला आता था ना, आपको पता होगा, तो भैया आप साथ में मिल गए। अब हम हैं, अब भाई अब मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। सुपर बाइक्स और सुपर कार्स देखो गाइस, मुझे जीटी लेके आनी चाहिए थी, बट मैं लाया आरएस, तो फ़र्क होता है थोड़ा बहुत। भैया अब मत करना बर्नआउट, खत्म हो जाएगा टायर, अब मत करना बर्नआउट। आप नहीं, हाँ भाई मैं देख लूँ मेरी बाइक भी चल रही है या नहीं। ना ओके, एवरीथिंग इज डन। कहाँ से जाएं? तो
तो गाइस आज हम जाएंगे नए रास्ते से, नया रास्ता इन द सेंस कि हम हमेशा इसके नीचे से जाते थे, आज हम इसके ऊपर से जाएंगे, यू नो डिफरेंट वे। ये रिटर्न का चाहिए 195 बाय 15 का। अच्छा आगे कितनी दूर पे यू टर्न है? सामने बिल्कुल जहां बस खड़ी है ना ये। हां इसके सामने गेट है। अच्छा ये अच्छा कौन पीछे रह गए? हमने तो देखा नहीं रास्ते में। कहाँ है? टैपिड नॉइज है ये। चलें तो गाइस वापस जाने की तैयारी है, तैयारी क्या है वापस जा ही रहे हैं, भैया साथ में चल रहे हैं, धीरज भैया निकल गए भगाते हुए हैं। इनको एक्शन कैमरा इनका साइड में माउंट हुआ है ना, तो इनको विंड ब्लास्ट लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपना एक्शन कैमरा निकाला बैग में डाला, उतने में धीरज भैया निकल गए आगे। तो टाइम हो रहा है 10:06 10:06 एंड मौसम अभी भी बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश हुई थी रास्ते में अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल मतलब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बस उतना ही था। अब देखो आगे धीरज भैया मिलेंगे शायद, रोक लिया उन्होंने आगे। Moments later. गाइज भैया ने स्विच कर ली थी बाइक, इनको चलानी थी आ रहा है कुछ टाइम के लिए, बस 5 भी अच्छी है यार, 160 है काफ़ी अच्छी भाग रही है, 131 भाग गई मेरे हाथ में। दिल्ली एंड नोएडा आने वाला है, ग्रेटर नोएडा के लिए स्ट्रेट, उस स्ट्रेट जाके ऊपर से नीचे उतरता है एंड दिल्ली और नोएडा के लिए लेफ्ट। काफ़ी अच्छा पिकअप है यार 160 cc के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बाइक एक्सेलरेशन है इसका, इसका दोनों साउंड सेम ही है ना, वो थोड़ा नया मॉडल है पुराना है, अच्छा कवर अप कर रही है। आप इस पर आराम से 80-85 तक आराम से क्रूज़ कर सकते हो एंड उससे को ऊपर करोगे तो हैंडल बार में वाइब्रेशन है, फुटपैक्स में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आ रही है एंड टैंक पे थोड़ी सी है वाइब्रेशन, एंड जैसे ही आप 100 क्रॉस करेंगे तो हैंडल की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये समझ लो कि वो टॉप स्पीड के लिए हो गई थी बाइक। तो ओवरऑल अब 160 cc के हिसाब से परफेक्ट बाइक है, ऑलमोस्ट 8 RPM पे 100 RPM। ये सब ट्रायम्फ है। हाँ तीसरे नंबर वाला तो निकल गया था,
वही तो कट मार के निकला लास्ट में। ये कौन है? ये निंजा वाला है, निंजा है, निंजा है भाई। डोमिनार क्यों होती? हरी गाड़ी सफेद लाइट, डोमिनार।